कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बस ये लाइनें भाजपा के शाजापुर से सांसद अरुण सागर पर पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि नेताजी पर आचार संहिता उल्लंघन मामले पर पहले तो केस दर्ज हुआ और फिर जब लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी कि न्यायपालिका ने उनको हाजिर होने के लिए कई बार नोटिस भिजवाया तो नेताजी इतने व्यस्त थे कि कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। लेकिन कहते हैं ना कि न्यायालय सबके साथ न्याय करता है। अब बस कोर्ट ने भाजपा के सांसद महोदय अरुण सागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार घोषित कर दिया और कह दिया कि सांसद महोदय के घर के आसपास उनके फरार होने का नोटिस भी बड़े बड़े अक्षरों में चस्पा कर दिया जाए। अब भाजपा के सांसद महोदय के इस मामले की पूरी जानकारी जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कोर्ट ने बुधवार को क्या कार्यवाही की और अब आगे क्या होने वाला है। उनके ऊपर 1971 है चाईपीसी और 127 ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम वाद चल रहा है। तो ये न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है। उनके पहले उससे पहले एनबीडब्ल्यू चल रहा था, एनबीडब्ल्यू जब नहीं हाजिर हुए तो 82 की कार्रवाई होती है, वही सामान्य प्रक्रिया है। जब वो आ जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। चस्पा करने का उनके जो फरार, हाँ तो ये 82 की कार्रवाई में ये सब होता है ना, तो इसलिए किया गया है। तो फरार घोषित कर दिया गया है? जी हाँ, 82 के बाद जब 82 में भी नहीं हाजिर होता है अभियुक्त तो फिर 83 की भी कार्रवाई होती है। ऐसे ये न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है। इनके आवास पर चस्पा किया जाएगा फरार होने का? जी, इनके आवास के आसपास। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मार्च 2019 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर ने बरेली जलालाबाद मार्ग पर उस समय भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर की प्रचार सामग्री को जब्त किया था। इस मामले में काट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में भाजपा सांसद अरुण सागर कई बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए और इसके बाद उनके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वह अदालत में फिर भी हाजिर नहीं हुए। तब न्यायाधीश आसमा सुल्ताना ने गत 21 नवंबर को उन्हें फरार घोषित कर दिया। फिलहाल कानून द्वारा अब सांसद महोदय के आवास पर फरार होने का नोटिस चस्पा किया जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सांसद महोदय कब तक फरार रहते हैं और यूपी की ठाए ठाए पुलिस कब उन्हें खोज पाती है।